अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप सभी लोग ठीक हैं। फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भीम एप्लीकेशन के बारे में, भीम यूपीआई ऐप के बारे में। आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा कि आप भीम यूपीआई ऐप को कैसे यूज़ करेंगे, भीम यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर अपने आईडी, अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, अपना यूपीआई आईडी, अपना यूपीआई अकाउंट कैसे बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको इस भीम एप्लीकेशन, भीम ऐप के बारे में कंप्लीट प्रोसेस, कंप्लीट जानकारी दूंगा। इसके लिए अगर आपको पूरी तरह से जानना है, सीखना है, समझना है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। अच्छा लगे, पसंद आए लाइक करें, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, बेल बटन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर भी प्रेस कर दें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और आपके मन में किसी भी तरह का कुछ भी क्वेश्चन है, सवाल है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह से आपको बताता चलूं, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेजेस में, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के दूसरी जगहों में अगर आप मुझे देख रहे हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप वहां पे भी मुझे फॉलो करें, लाइक करें, वहां पे भी शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको भीम ऐप के बारे में, भीम एप्लीकेशन के बारे में कंप्लीट प्रोसेस, संपूर्ण जानकारी बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप भीम ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे। डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे तो इस तरह से आपको सबसे पहले कोई एक लैंग्वेज यहां पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, चूज़ कर लेना है। इसे आपको डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करेंगे, डाउनलोड इंस्टॉल करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप पहले इस वीडियो को सही से देख लीजिए, समझ लीजिए, सीख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इसे आपको डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे। डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद आप इसे आपको जैसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके सामने यही इंटरफेस सबसे पहले शो होगा, यही चीज आपके सामने दिखेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा लैंग्वेजेस है, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, तेलुगु, सारा लैंग्वेज। तो मैंने इंग्लिश चूज कर लिया। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे, कोई भी एक लैंग्वेज जैसे ही सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सेफ, इजी, इंस्टेंट, यानी कि ये जो भीम ऐप है इंडियन एप्लीकेशन है, इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, और यूं समझ लीजिए कि ये सरकारी यूपीआई एप्लीकेशन है, यूपीआई प्लेटफॉर्म है। तो इसके अंदर अगर आप अपनी आईडी बनाएंगे तो इसके लिए आप यहाँ पे देखिए प्रोसीड का बटन है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे व्हाइल यूजिंग द ऐप, यानी परमिशन मांग रहा है, तो आप जो है ना अलाउ के ऊपर क्लिक करके आप जो है ना फोन कॉल्स को मैनेज करने का, एसएमएस सेंड करने का, नोटिफिकेशन भेजने का, ये सारी चीजों का जो है ना परमिशन दे देंगे अलाउ के ऊपर क्लिक करके। यहाँ पे देखिए आपका नंबर या सिम यहाँ पे आ चुका है, जो सिम भी यहाँ पे रहेगा, दो सिम अगर आपके फोन में है तो दोनों यहाँ पे शो होगा, एक सिम है तो एक शो होगा, तो दो अगर शो होगा, दो अगर आपके फोन में सिम इंसर्ट है, आप डाले हुए हैं, तो दोनों अगर दिखाई दे तो उस सिम को चूज करेंगे, जिस सिम, जो सिम आपके बैंक के साथ अटैच है, जो सिम आपके आधार कार्ड के साथ अटैच है, उस वाले को चूज करेंगे। जैसे आप सिम को सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका मोबाइल नंबर, आपका जो सिम नंबर है, वो मोबाइल नंबर आपका ऑटोमेटिकली इस तरह से वेरिफिकेशन हो जाएगा। यहां पे देख सकते हैं वेरीफाई मोबाइल नंबर, सबसे पहले यहां पे देखिए नोटिफिकेशन इनिशिएटेड, एसएमएस चला गया, एसएमएस जाने के बाद आपका मोबाइल नंबर भी इस तरह से वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद यहां पे देखिए रजिस्टर न्यू पासकोड, तो यहां पे आप अपना एक जैसे पिन कोड बनाते हैं ना, उसी तरह से एक पासकोड है, तो यहां पे पासकोड जो है ना आप एक अच्छा सा बना लेंगे। जो पासवर्ड आप ऊपर में टाइप करेंगे वही पासवर्ड आप नीचे वाले री एंटर वाले पासवर्ड पासकोड वाले बॉक्स में भी सेम वही चीज एंटर करेंगे। यहाँ पे दोनों बॉक्स में सेम पासकोड, अच्छा सा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पासकोड इंटर करके आप जो है ना नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट जैसे करेंगे यारो रहेगा नेक्स्ट का नीचे राइट कॉर्नर पे, उस यारो के ऊपर जैसे क्लिक करें तो इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से जैसे ही आ जाएंगे, फर्स्ट टाइम अगर आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या क्या शो होगा। यहाँ पे अब आपको बैंक सेलेक्ट कर लेना है, कौन से बैंक में आपका खाता है, या फिर कौन से बैंक को, या फिर कौन से खाते को आप अपने भीम यूपीआई इस ऐप के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, उस बैंक अकाउंट को यहां पे फाइंड कर लेंगे, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, आपका खाता है। तो फाइंड करने के बाद जो है ना यहाँ पे देख लेंगे एक एक करके, ऊपर नीचे स्क्रॉल डाउन करके इंडिया का पूरा ब्रांच, पूरा बैंक यहाँ पे आपके सामने शो होगा, यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे अगर दिखाई दे दे आसानी से तो ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं दिखाई दे तो ऊपर में देखिए सर्च और सेलेक्ट बैंक का ऑप्शन है, वहाँ पर सर्च करेंगे जो भी बैंक आप, जिस भी बैंक में आपका खाता, जैसे मेरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, भारतीय बैंक में, तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, देखिए ऊपर से नीचे आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए बहुत सारा बैंक यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ सर्च करने के लिए, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जैसे आप यहाँ पे टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट बैंक का कितना बैंक है, तेलंगाना स्टेट देख सकते हैं, आ गया स्टेट बैंक, डालते ही यहाँ पे आ चुका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें मेरा अकाउंट, मेरा खाता है, इसको आप चूज कर लेंगे। उसके बाद नीचे देखिए माई बैंक इज नॉट लिंक्ड,
नीचे देख सकते हैं माई बैंक इज नॉट लिंक्ड, हाँ उसके ऊपर जैसे क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए आपका जो अकाउंट है वगैरह सारा चीज़ यहाँ पे फेच कर लेगा, सारा चीज़ आपका जो है ऑटोमेटिकली ये जो है ना क्या करेगा डिटेक्ट कर लेगा। हाँ यहाँ पे जो भी बैंक अकाउंट है जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो होगा दिखाई देगा सही है अगर, तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके ऊपर टैप करेंगे, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों जो है ना क्या हो जाएगा आगे का प्रोसेस यहाँ पे देख सकते हो रहा है, प्लीज़ वेट यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप इस तरह से जो है ना क्या कर सकते हैं इस भीम यूपीआई ऐप के अंदर अपनी आईडी अपना अकाउंट अपना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली करके आप इस भीम यूपीआई ऐप को यूज़ कर सकते हैं, चला सकते हैं। और ये इंडियन गवर्नमेंट एप्लीकेशन है भीम यूपीआई, जो है ना बेहतरीन एक यूपीआई प्लेटफॉर्म है। आप इसको यूज़ करेंगे तो हमारा आपको फ़ायदा जो भी होगा होगा, उसके साथ साथ आपको आपका जो सरकार है हमारी जो सरकार है इंडियन गवर्नमेंट उसको भी फ़ायदा होगा, ठीक है, क्योंकि ये इंडियन एप्लीकेशन है भारतीय सरकारी ऐप है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पासवर्ड जो मैंने टाइप किया था ना उस पासवर्ड को आप जब भी इस ऐप को ओपन करेंगे तो पासवर्ड एंटर करके ही आप इसके अंदर आ सकते हैं, इसके अंदर जा सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड एंटर किया तो यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका हूँ मैं, यहाँ पे देखिए पे बिल्स बहुत सारी चीज़ें जिस तरह से दूसरे यूपीआई प्लेटफॉर्म में आप बिल्स वगैरह जो है ना क्या कर सकते हैं पे कर सकते हैं, और इस तरह से और सारी चीज़ें रिचार्ज वगैरह सारी चीज़ें लेन देन करना, पैसे का आदान प्रदान ट्रांसफ़र करना, इधर से लेना उधर से देना, ये सारे काम ये सारे प्रोसेस आप एक एक करके इस भीम ऐप के माध्यम से भीम प्लेटफॉर्म के जरिए से आप कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है, आप यूज़ करें ट्राई करें, आप एक बार देखें इसके अंदर अपना अकाउंट अपना रजिस्ट्रेशन करके। इस ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नीचे देख सकते हैं तीन ऑप्शन है, एक होम का, एक प्रोफाइल का और एक है ट्रांजेक्शन का। होम में अभी हम हैं, होम में सारे चीज़ें सारे ऑप्शन सारे विकल्प सारे मेन्यू आपके सामने शो होगा, और उसके बाद प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे जो कि बीच वाला ऑप्शन है। तो प्रोफाइल आपका जो भी है वो प्रोफाइल में जो भी डिटेल्स आप भरे होंगे जो भी डिटेल्स जो भी जानकारी आपका प्रोफाइल में रहेगा वो सारा का सारा दिखेगा शो होगा। ट्रांजेक्शन जो सबसे लास्ट में कोने वाले राइट कॉर्नर कोने में जो ट्रांजेक्शन का ऑप्शन है ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वही ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिखेगा, आप किसको भेजे पैसा, कौन आपको भेजा, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक एक करके आप इस तरह से कर सकते हैं। तो यूज़ करना बहुत ही आसान है, इसको चलाना इस भीम यूपीआई को चलाना जो ना बहुत ही सरल है बहुत ही ईजी है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने सारे लोगों को मद्देनजर रखते हुए इस ऐप को डेवलप किया, इस ऐप को बनाया। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ बातें भीम यूपीआई ऐप के बारे में, भीम प्लेटफॉर्म के बारे में जो कि मैंने आपको बताया। दोस्तों ये इंडियन गवर्नमेंट एप्लीकेशन आपके लिए कैसा लगा, आपको इस ऐप के बारे में जानकर कैसा लगा, जो भी आपको आप अपना जो है ना रिकमेंडेशन देना चाहते हैं कमेंट करना चाहते हैं आप कमेंट करें जरूर भी जरूर। वीडियो अच्छा लगे पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, बेल बटन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर भी प्रेस कर दो। हाँ दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ इस वीडियो को अगर आप दूसरे जगहों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक्डइन ट्विटर वगैरह में देख रहे हैं वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो लाइक कमेंट शेयर जरूर भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।